हर मोटरसाइकिल टूरिस्ट का ख्वाब होता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज का टूर करे, लेकिन हम उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है यार ये, माशाल्लाह। और जानी, वक्त तो तुम्हारे लिए कभी रुकेगा नहीं, इसलिए जितना हो सके उतना आगे बढ़ो। शहर की मसरूफ तरीन जिंदगी में से थोड़े से वक्त को चुरा कर हम भी चल दिए अपने अगले सफर की जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागीर, मेरा नाम है सैयद सुहेब और आप देख रहे हैं मेरा पहला एपिसोड नॉर्दर्न पाकिस्तान बाइक टूर का, जिसमें हम सफ़र करेंगे इस्लामाबाद से एबटाबाद, बजरिया मोनाल, बाग, सजीकोट, वाटरफॉल और फिर एबटाबाद। और आज जो है मोस्ट अवेटेड राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और आज का रूट जो है वो इंशाल्लाह बालाकोट की तरफ हम जाएंगे। गलियात से होते हुए नथिया गली देखते हुए सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं और नाश्ता हम इंशाल्लाह रास्ते में ही करेंगे। चलते हैं फिर आगे की तरफ, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्या ही बात है आज इस्लामाबाद की सड़कों की और ग्रीन जी, माशाल्लाह। क्या लश ग्रीन जी इस वक्त हमारा सर्वाइव कर रही है। मुनाल के अभी करीबी है और एकदम जो है वो मौसम चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। ये तकरीबन 500 मीटर पर मुनाल, ये रास्ता चूज करने का जो है मेरा प्रोसीजर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सफ़र की शुरुआत ही इतनी मज़ेदार हुई है, तो इंशाल्लाह आगे भी सफ़र अच्छा रहेगा। अल्लाह का शुक्र। पार्किंग का है, वेरी गुड। अब हम जो है ना वो निकल गए हैं, सजीकोट वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। कितना खूबसूरत रास्ता है यार ये, माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट हाईपुर में हम जो है घूमते हो रहे हैं और वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। यार माशाल्लाह ये रोड जो है ना लव है यार, एक बार अगर आप इस रोड से आ जाएंगे ना तो फिर आप हाईवे भूल जाएंगे, मतलब हाँ क्या बताऊँ मैं, मुझे नहीं पता दोस्त तो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, मगर जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, ग्रीनरी है, कटिंग है, चढ़ाई है, उतराई है, मतलब मैं नहीं सोचा था कि टूर जो है वो असल एडवेंचर जो है वो बालाकोट के बाद स्टार्ट होना है, लेकिन नहीं सोचा। थैंक यू अली अहमद भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग विद सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, वरना तो मैंने उस काले रोड से जाना था हाईवे से। उम्मीद तो नहीं है कि बारिश कुछ ज़्यादा तेज होगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह मालिक है। अल्लाह अगर हम पहुँच जाएँ अपने डेस्टिनेशन तक। बारिश में तो बहुत एहतियात से बाइक चलानी होगी और उसके साथ साथ जो है वो दोबारा से सामान वगैरह में पैक करना होगा, थोड़ी आजमाइश हो जाएगी। बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खैर बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यारा हो गया।
अच्छा जी, अपडेट ये है कि पीछे हमें जो है ना वो बारिश मिली है, ठीक ठाक तेज़ बारिश, तो हमने बरसाती वगैरह पहनी थी और तकरीबन पीछे जो है वो 5-10 किलोमीटर पीछे जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। अभी सजी कोट वाटरफॉल जो है वो थोड़ा सा आगे और तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला है यहाँ से सजी कोट का। ये एक हमें स्पॉट मिला था यहाँ बड़ी खूबसूरत सा, तो हमने सोचा यहाँ रुकते हैं और बरसाती जो रेनकोट वगैरह हमारा वो उतारते हैं, सामान दोबारा से सेट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। पीछे बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है वो मौसम और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हो गया है, माशाल्लाह। बस बारिश की वजह से जो है वो मैं ड्रोन नहीं फ्लाई कर पाया हूँ, लेकिन गोप्रो में जो आ सका आया, तो गोप्रो में क्योंकि माइक डॉक्टर लगा है तो उसकी वजह से मैं गोप्रो भी डिस्कनेक्ट करना पड़ा मुझे पीछे, लेकिन अभी यही क्योंकि बारिश रुक गई है तो मैंने गोप्रो दोबारा कनेक्ट किया। हेलो जी, फाइनली हम जो है वो पहुँच गए हैं सजी कोट आबशार पे, माशाल्लाह अज़्ज़ोजी, क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, सुभानअल्लाह। अच्छा जी, तो ये थी सजी कोट वाटरफॉल और अब आगे हम जा रहे हैं कालाबाग की तरफ, उसके बाद नटिया गली होते हुए हैदराबाद इंशाल्लाह। क्या मौसम होगा यार, माशाल्लाह। सख्त कम है और मुकाबला सख्त, बालाकोट तो मुश्किल है आज, और ये जो है हैदराबाद में इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे, हैदराबाद अमीर आने से पहले पहुँच जाए। कोशिश पे यही है कि मैं ज़्यादातर उसको रोशनी में करूँ ताकि आप लोगों को जो है वो व्यूज़ दिखाता रहूँ, रात में ब्लॉगिंग में जो है वो मज़ा नहीं आता। चश्मों की बाहर है ना। हाँ भाई, क्या कर रहे हो, कैसे हो, सब ठीक, कैसे हो, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद है। जवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या पढ़ते हो? हाँ। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में हो? मैंने भी 10th की देखो थी। अच्छा, माशाल्लाह, नथिया के लिए यही रोड जा रहा है? हाँ, सही है। और एबटाबाद भी आगे यही रोड जाएगा? हाँ, सही है, सही। चलो, सब फ्रेंड है, दुआ में याद रखना। फन क्या है यार, कहाँ है यार, हम कहाँ है, वो कराची का ट्रैफिक कहाँ है, टीटी पापा, एक चपाटर यहाँ से गुजर रहा है, एक वहाँ से गुजर रहा है, अबे ओ साले देख कर चला, कहाँ है कहाँ है यार।
ट्रैफिक का धुआं कहाँ है? अभी तो मुझे ये भाषा की खुशबू आ रही है। आए 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 आए। माशाल्लाह, तो अब जो है वो फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, तुम्हारी दोनों तरफ जो है वो जंगलात हैं, और पीछे मैंने वार्निंग देखी थी कि यहाँ पर जो है वो लेपर्ड भी हैं। खैर, वो अंदर घने जंगलों में होते हैं, रोड पर तो नहीं आते, कभी कभार ऐसा होता है कि आ भी जाते हैं रोड पर रात बात के टाइम। अब हम जो है वो नच्चा गली की तरफ जा रहे हैं, और नच्चा गली से आगे जो है हम फिर एक्टाबाद जाएंगे। कुछ सफ़र हमारा रात में होगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, मगरिब होने वाली है, लेकिन जितना हो सकेगा हम दिन में ही करेंगे। क्या बात है, देख रहे हो शपाटर? और एक बंदा यहाँ आम घूम रहे होते हैं, पता है? आम? हाँ, पूरे को ऊपर खड़ा हुआ, वो बैठा हुआ नजर आया। ये तुम चीजें छीन के भाग जाते हैं, पता है? और यहाँ इस जगह के बंदर इतने ट्रेन हो गए कि ये लेस के पापड़ वगैरह सब खोल लेते हैं, केक वेक होता है ना सब खोल के खाएंगे, और छीन के भाग जाते हैं। पीनी है चाय वाय पीनी है? खाना तो नहीं, पता नहीं कैसा होगा। जी तो फाइनली हम एबटाबाद पहुंच गए। यहाँ पर हमारे दोस्त का घर है फवारा चौक की तरफ, तो वहाँ पर आज स्टे करेंगे। तकरीबन 15 किलोमीटर है जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से, तो वहाँ पहुँचता हूँ, और फिर कल जो है वो आगे इंशाल्लाह निकलेंगे। हो सकता है कल मैं यहाँ पर जो है वो वाला एबटाबाद एक्सप्लोर करूँ, और हो सकता है कि आगे निकल जाऊँ। पॉसिबल है कल भी मैं आज की रात भी एबटाबाद में रुकूँ, और कल की रात भी जो है वो एबटाबाद में रुकूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल से बात हुई थी तो वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं एबटाबाद में स्टे करूँ एक पूरा दिन। तो देखते हैं क्या मामला बनते हैं आगे।